के 6 और ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, रिक्शा का वेट कर रहे हैं। हमको जाना है संस्कार मंडल, लेट्स सी कि रिक्शा मिलती है कि हम बस मिस कर देते हैं। हीना की वजह से लेट हो गया और आज सुबह एक बहुत बड़ा कांड हो गया। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. हम अपने स्टेशन पे आ चुके हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, टाइम पे पहुंच चुके हैं। होपफुली बस नहीं मिस हुई है, क्योंकि आई थिंक अभी हो रहे हैं 5-6 भी नहीं बजे, 6 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो चलिए मंदिर में जाते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। So, are you excited for the trip? Yes. है ना? मैं तो बहुत excited हूँ, भगवान के दर्शन हो गए। I think अब तो दिन अच्छा ही जाएगा। थोड़ा सुबह सुबह बहुत बड़ी एक पनौती लगी है सोनू के नाम की, but hopefully वो safe है, कुछ हुआ नहीं है उसको। Thank God, मैं स्टोरी थोड़ी आगे जाके बताऊंगा आपको। और हम कहाँ जा रहे हैं देखते रहिए व्लॉग में। बस मिल चुकी है, हम बस में बैठ चुके हैं। बस एग्जैक्ट टाइम पे थी, मतलब गवर्नमेंट बस टाइम पे होना इज लाइक बिग थिंग। मजा आ गया। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। 2 किलोमीटर दूर है, बारिश आ रही है अनफॉर्चुनेटली। हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन, अब होटल के लिए निकल रहे हैं थोड़ी देर में। हीना कैसा फील हो रहा है घर से दूर आके इतने टाइम बाद, आज़ादी फील हो रही है? राहुल होटल कैंसिल हो गई, मतलब कि होटल वालों से बात कर रहे हैं 20-25 दिन। इतनी बात तो मेरे साथ भी उन्होंने कभी नहीं की, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। पता नहीं क्या मजे ले रहे हैं। If towards regret, I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. सच में आज पता नहीं किसकी शक्ल देख के निकले, सुबह से दिन ही खराब चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दिन खराब चल रहा है। So हुआ यूं है कि हमने एक होटल बुक किया था फॉर सम अमाउंट। तो फिर क्या हुआ, उस होटल वाले को जब हमने कॉल किया चेक इन के लिए कि कैन वी डू चेक इन 15-20 मिनट्स अर्ली, हम स्टेशन पे खड़े थे मतलब बस स्टॉप पे पालड़ी हुए, तो उन्होंने बोला कि हाँ, पर उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोल दिया कि जो आपका ओयो का बुकिंग है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सो हमने कैंसिल कर दिया है अपनी तरफ से। फिर देन आई कॉल्ड ओयो एंड लाइक दे, उन्होंने मेरे से आधे घंटा बात किया फ़ोन पे, एंड उन्होंने फिर मेरे को एक होटल सजेस्ट किया कि ये वाले पे आप चले जाइए, हमने पैसे वैसे का बात कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी होगा हम वहाँ पर वो कर देंगे, ब्ला 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 एंड ऑल दैट। तो आई वॉज लाइक ठीक है कर दो, आप अपनी तरह से बेस्ट होटल ढूंढ के मेरे को दे दो। एंड देन दे डिड अ वन मोर होटल एंड आजू बाजू में ढूंढ के दे दिया। सो अब क्या हुआ, अब हम इस होटल आए, उन लोगों ने हमें 2 रूम सजेस्ट किए, एक बालकनी वाला रूम था एक ये वाला रूम था। सो जैसे ही हम इस रूम में आए, एंड बालकनी वाला रूम तो लाइक वर्स्ट है ऑलरेडी, इस रूम में आए, इस रूम में कॉकरोचेज है एंड मोल है, तो मतलब बेड के वो लकड़ी में सीलन नहीं हो जाती वैसा टाइप सारा सब है, कबर्ड्स टूटे हुए हैं, टीवी का ऑडियो एकदम बकवास है, बाथरूम की हालत, तो बाथरूम का दरवाज़ा ढंग से बंद नहीं हो रहा है, बाथरूम एकदम बकवास है। आई विल शो यू अराउंड के कैसा है मारा है, एक कॉकरोच यहाँ कहीं घूम रहा है पता नहीं कहाँ है। ये देखिए टीवी देखिए, फिर ये देखिए, द वर्स्ट थिंग इज दिस, दिस इज द वर्स्ट, सी दिस, कैन यू सी दिस? सो या दिस इज बाथरूम, मैं आपको क्या दिखाऊँ, बट वर्स्ट बाथरूम है। और ये देखिए सब टूटा फूटा सब वैसा है। सो मतलब इट्स, हमने ओयो वालों से बात किया, हमने कहा भाई अगर आपको 1000 रुपये ज़्यादा लेने तो ले लो, बट प्लीज़ अच्छा होटल दे दो हमको। उन्होंने बोला 10 मिनट में रूम चेंज करवा रहे, सो लेट्स सी। तो चलिए बात करते हैं, तो हुआ क्या, जब मैंने उनको बोला कि मुझे आप एक और रूम करवा दो,
ठीक है, या कुछ चेंजेस करवा दो, कुछ भी कर लो एडजस्टमेंट, बिकॉज वो रूम में रहने जैसा नहीं था, बिकॉज वहाँ का टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदा है। उन्होंने मेरे को एक और दूसरा रूम दिखाया। सो जैसे ही हम होटल में एंटर किए, होटल वाले ने बोला कि हम आपको सबसे हमारा बेस्ट रूम देंगे, ऐसा बोला, सबसे बेस्ट रूम देंगे सर आपको, और उसने वो दो घटिया से रूम दिखाए। देन जब ओयो वालों ने उसको प्रेशर किया तो उसने एक और रूम दिखाया हमको, ठीक है। तो हम वहाँ उस रूम में गए, एंड देन व्हाट हैपेंड, यू नो, वो रूम वॉज ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा बेटर था, बट वॉशरूम वॉज स्टिल लाइक पब्लिक टॉयलेट। तो मतलब हाइजीन नहीं है ज़रा भी, आप नहीं रह सकते वैसे जगह पर, क्योंकि अब पता नहीं वो कैसा हो, वहाँ पर कौन सी बीमारी हो, क्या है, तो आप वैसी जगह पर नहीं रह सकते। और एक लड़का, ठीक है, लड़की के लिए ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम है। सो देन हमने ओयो को बोला कि भाई देखो, हम इस होटल में तो नहीं रहने वाले, आप बताइए क्या कर सकते हैं, अगर क्योंकि इनके पास कोई और अच्छा रूम है ही नहीं। हमने उनके जो 3 रूम थे सब खाली थे वो देख लिया, और होटल वाले को अब मतलब इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा वैसा, क्योंकि उसको पड़वड़ नहीं रहा था, उसको महंगा पड़ रहा होगा, तो ही वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। देन ही स्टार्टेड ब्लेमिंग ओयो की, ओयो की तरफ से ऐसा है, उसकी तरफ से वैसा है, एंड ओयो वाले इज लाइक होटल वालों की तरफ से ऐसा है वैसा सब, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो देन एट द एंड ऑफ द डे ओयो ने हमें कोई हेल्प नहीं की, एंड ओयो की सर्विस इज द वर्स्ट। फ़ोन करो मतलब 15 से 20 15 20 मिनट आपका खा जाएंगे, और उनके सामने वालों के उनके ऑडियो इतने बकवास है कि आपको कोई फ़ोन में सुनाएगा नहीं, 2 3 बार कॉल कट जाएगा। ओयो की तरफ से जितनी भी होटल्स काम करते हैं सब ओयो से परेशान है, कोई ओयो का साथ नहीं देता है। लाइक दे दिस पीपल दे डोंट इवन केयर, लाइक दे डोंट इवन बॉदर कि हमें ओयो का वो करना चाहिए, नेसेसरी, दे डोंट रियली लाइक ओयो एट ऑल, पता चलता है, ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले, अपना कच्चा चिट्ठा बांध के चेकआउट वैकआउट कर लिया हमने वहाँ से, हमने कहा भाड़ में जाओ सब लोग, हमें नहीं रहना है, अब ऐसा करके हम निकल गए। फिर देन हम दूसरे होटल के लिए निकले अपना खुद से, हमने कहा अब हम खुद से ढूंढ लेंगे, ओयो गया तेल लेने, फिर हमने अपनी तरह से ढूंढना शुरू कर दिया होटल, ये दैट वाज द थिंग। सो प्लीज़ ट्राई, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ कि ओयो ने हमें क्या दिखाया था और क्या भेजा। जैसे आपने रूम देख लिया ना कि वो रूम कैसी हालत थी उसने, और उसी रूम के जो फोटोज़ हमें ओयो ने दिखाए थे ना वो एकदम अलग थे, लाइक ब्रांड न्यू वगैरह वैसे टाइप का था, ठीक है। अगर मेरे पास फोटो होंगे तो मैं इधर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो आप देखिए ये रूम्स कैसे हैं, एंड हमें जो रूम दिए गए वो कैसे थे। सो इट्स लाइक टोटली स्कैम चल रहा है ओयो का। सो डोंट ट्रस्ट ओयो एट ऑल, आप जब तक लोकेशन मतलब होटल पे ना जाए, होटल पे जाके कमरा चेक ना करें, तब तक चेकआउट चेक इन भी मत कीजिएगा, बिकॉज वो लोग कुछ ना कुछ अमाउंट काटने का ट्राई करेंगे। थैंक गॉड हम, मेरा तो मतलब क्या बोलो, अभी मेरा तो अलग ही सीन चल रहा था इसलिए मैं बच रहा हूँ, बट ओयो जस्ट स्कैम्ड अस, लाइक पूरा स्कैम किया हमारे साथ बड़ा वाला। सो आई रियली डोंट रेकमेंड यू गाइज के ओयो करो, क्योंकि आपका जो होटल होगा ना उसके उससे आपको बुरा ही सजेशन देंगे साले, अच्छा सजेशन तो नहीं देंगे। हाँ पहले सर्विस अच्छी होती होगी, बट अभी तो बहुत सर्विस बेकार है उनका, कस्टमर केयर से लेके एवरीथिंग इज द वर्स्ट। हाँ और मे बी शायद किसी और सिटी में शायद अच्छी होगी, बट अहमदाबाद में तो बहुत वर्स्ट है। सो या दैट वॉज द थिंग। मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न था ताकि आप लोगों को पता चल सके कि स्कैम कैसे नहीं की होना चाहिए, यू नो, चीटिंग कैसे होती है। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, आपका दिन शुभ रहे। मैं आपको मिलता हूँ कल एक और व्लॉग में, ठीक है, प्लीज़ देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको कल के व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और इन सब चीज़ों स्कैम वगैरह से थोड़ा बचे, ओके। Life, a few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up.